help you to become a brave soldier of the country. Anis Academy. Anis Academy. Anis Academy. सब्सक्राइब करा तेजवार्ता न्यूज नेटवर्क आणि बेल आयकॉन प्रेस करा रहा अपडेट। नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की तरफ से आज बीड़ शहर के अंदर कुछ तरकारी विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई। हाँ भैया, क्या क्या हो गया था यहाँ पर अभी तक, क्या इतना डिस्टर्ब क्यों हुआ? आज सवेरे जो है तो भीड़ नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो यहाँ पे कुछ व्यापारियों की तरफ से पालन नहीं हो रहा था, ऐसे व्यापारियों पे कार्रवाई करने के लिए जो है तो भीड़ नगर पालिका के जो अधिकारी है वो और पुलिस प्रशासन दोनों ने मिलकर कार्रवाई की। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ बेगुनाह जो पासेस है जिसके तरफ भगवान समाज के जो लोग हैं, पासेस रहने के बावजूद भी वो लोगों पर गलत कार्रवाई करने में आई। उसके बाद जो है तो यहाँ पे ये लोगों पे गलत कार्रवाई होने के वजह से यहाँ पे जो लोग एक आक्रोश लोगों का था वो लेकर नगर पालिका पहुँचे और हमारे पास भी आए, तो हमने ये बात की जानकारी जो है तो भीड़ के आमदार संदीप भैया क्षीरसागर इनके जो है तो इन्हें फ़ोन करके बताई। तो संदीप भैया क्षीरसागर, माजी आमदार सैयद सलीम साहब, ये दोनों मिलकर यहाँ पर आए और उन्होंने भीड़ नगर पालिका प्रशासन और जो है तो पुलिस विभाग के कर्मचारियों की एक बैठक ली और इस बैठक में तय किया कि यहाँ पर जो है तो पासेस कम होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है तो प्रॉब्लम आ रहा, इसके वजह से उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को पासेस ज़्यादा बढ़ाकर देने और भगवान समाज के जो लोग ओरिजिनल में गाड़ा लगाते व्यापार करते हैं और इतर समाज के, उन्हें ही पासेस देने के लिए जो है तो यहाँ पे कहा गया और उनको एक सूचना की कि पासेस बढ़ा कर दो। तो ऐसा यहाँ पे तय हुआ और लोगों का जो जब्त किया हुआ माल है उन्हें एक बार ताकीद करके जो है तो उन्हें वापस लौटा देने के लिए ये यहाँ पे आज डिसीजन किया गया। और इसमें आज बीड़ के आमदार संदीप भैया क्षीरसागर ने महत्वपूर्ण भूमिका बजाई और यहाँ पर इनको लोगों को न्याय दिलाने का जो है तो यहाँ से काम किया।